तो चलिए बनाते हैं आज स्पेशल से बेसन के टिक्के, जो खाने में काफ़ी टेस्टी। तो चलिए बनाते हैं। पनीर टिक्का भी इसके आगे फैला। तो देखिए, एक कटोरी मैंने बेसन लिया है, इसमें डाल दिया आधी कटोरी सूजी और एक कटोरी डाल दिया मैंने दही। दही ज़्यादा खट्टी ना हो। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने एक कटोरी इसमें डाल दिया पानी। अब इसे भी एकदम से मिक्स करके, इसमें लम्स वगैरह ना हो, इसे एकदम सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए, पेस्ट हमारा बनके हो चुका है तैयार। तो अब इसमें डाल देंगे कुछ मसाले। तो मैंने देखिए, एक चम्मच डाल दिया जीरा, थोड़ी सी डाल दिया अजवाइन, आधी चम्मच डाल देंगे हल्दी, आधी चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी हींग। अब डाल देंगे दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, एक प्याज डाल देंगे, आधी कटोरी डाल देंगे मटर, ये उबली हुई मटर है। आपके पास जो वेजिटेबल आप वो डाल सकते हैं, निकल लेते हैं मिक्स। इसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक, इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। अब डाल देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और आधा कटोरी पानी और डाल देंगे। टोटल मैंने इसमें डेढ़ कटोरी पानी और एक कटोरी दही ली है, इन्हें कर लेते हैं मिक्स। मिक्स करने के बाद इसको सेट होने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि बेसन और सूजी हमारा अच्छे से फूल जाए। मैंने गैस पर रख दिया कढ़ाई, इसमें डाल दिया 1 चम्मच सरसों का तेल और उसमें डाल दिया राई के दाने। गैस को कर लेंगे मीडियम टू स्लो, उसके बाद डाल देंगे इसमें बेसन और सूजी का बैटर। अब इसको हमने 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए इसको पेस्ट को हमने गाढ़ा कर लेना है, ताकि वेजिटेबल हमारी थोड़ी सी पक जाए और बेसन भी हमारा अच्छे से फूल जाए। तो देखिए, 2 से 3 मिनट में बैटर हमारा गाढ़ा होने लगा है। तो गैस को कर देंगे बंद और इस बैटर को एक बर्तन में निकाल लेंगे। उस बर्तन में आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगा ग्रीस कर ले, तो इसको डाल लेंगे, इसको सेट कर देंगे। तो देखिए, बैटर को मैंने एक थाली में सेट कर दिया है, इसके ऊपर थोड़ा सरसों का तेल डालकर चम्मच से इसको इस तरह थाप दे देंगे, ताकि जो एक समान हो जाए। तो इसको सेट होने के लिए हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। इसे ज़्यादा पतला नहीं करना, ना ही ज़्यादा मोटा करना, बिल्कुल हमने जैसे पनीर के टिक्के होते हैं इस तरह के पीस हम इसके काट लेंगे 10 मिनट के बाद। देखिए, सेट हो चुका हमारा बैटर। तो देखिए, इसके पीसेस निकाल लेंगे एक प्लेट में। देखिए, बढ़िया से पीस हमारे बनके हो चुके हैं तैयार। अभी निकल लेंगे हम फ्राई। तो देसी गैस पे मैंने नॉनस्टिक तवा रख दिया, उसमें थोड़ा सरसों का तेल डालने के बाद उसके ऊपर हम डाल देंगे बेसन के टिक्के। तो इन्हें हम गोल्डन होने तक एक तरफ से सेक लेंगे, उसके बाद दूसरी तरफ से सेक लेंगे। इन्हें सेकने में कम से कम हमें 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। गैस को बिल्कुल मीडियम टू स्लो रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे, ताकि ये आराम से अच्छे से सिक जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। तो देखिए, एक तरफ से हमारे टिक्के सिक चुके हैं, तो इनको पलट लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया, और देखने में बिल्कुल पनीर टिक्के जैसे लग रहे हैं ये। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बिल्कुल आसान है और आप इसे घर पर बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारे पनीर टिक्के। देखिए कितना बढ़िया कलर और देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। मज़ेदार और टेस्टी से बेसन टिक्का हमारा बनके तैयार है, बिल्कुल वेजिटेबल से भरा हुआ। आप ये रेसिपी बच्चों को ज़रूर दें, खाने में काफ़ी टेस्टी और हेल्दी भी, क्योंकि उसमें बेसन है और ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करो, हमें कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी। देखिए, बढ़िया बेसन टिक्का हमारा बनके हो चुका है तैयार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।